अवैध खनन पर खान विभाग की संयुक्त टीम का एक्शन। सवाई माधोपुर के शिवाड़ क्षेत्र में हुई कार्रवाई सफल। बोलीदाता की आड़ में कम बजरी का रवन्ना काटकर अधिक बजरी निर्गमन कर रहे और इस पर जयपुर भरतपुर की टीम ने कार्रवाई की और एक पोखलेन मशीन साथ ही 1200 टन बजरी भी जब्त की है। मामले में एमई सवाई माधोपुर को विस्तृत जांच के आदेश हैं और जांच रिपोर्ट आने तक बोलदाता की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। खान सचिव टी रविकांत ने ये तमाम जानकारी साझा की। अवैध खनन, निर्गमन, भंडारण गतिविधियों पर विभाग जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहा है। साथ ही अवैध खनन, परिवहन, भंडारण पर सख्त कार्रवाई के लिए अधिकारियों को फील्ड में रहने के भी निर्देश हैं। खान सचिव टी रविकांत की ओर से ये तमाम जानकारी साझा की गई है और अवैध खनन, परिवहन, भंडारण पर सख्त कार्रवाई के लिए अधिकारियों को फील्ड में रहने के भी निर्देश दिए गए हैं और विभाग जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहा है क्योंकि लगातार अवैध खनन के मामले सामने आते हैं और भंडारण गतिविधियों के मामले सामने आते हैं और इस पर विभाग की ओर से एक्शन। सवाई माधोपुर के शिवाड़ क्षेत्र में ये कार्रवाई हुई। और इस मामले में सफल बोलीदाता की आड़ में कम बजरी का रवन्ना काटकर अधिक बजरी निर्गमन हो रहा था और इस पर जयपुर भरतपुर की टीम की ओर से कार्रवाई की गई है। एक पोखलेन मशीन साथ ही 1200 टन बजरी भी जब्त हुई है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुनील यादव फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, विभाग की ओर से समय समय पर एक्शंस भी लिए जाते हैं और इसी मामले पर जीरो टॉलरेंस लगातार विभाग की ओर से सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मनीषा, राजस्थान में अवैध खनन है ये जो काफी बड़ा चैलेंज था सरकार के लिए, क्योंकि पिछली जो सरकार उसमें देखा गया किस तरह से जो अवैध खनन है बहुत ज्यादा बढ़ गया था, कई मामले सामने आ रहे थे। उसके बाद में चुनाव में भी महत्वपूर्ण मुद्दा था और अभी ये जब सरकार बनी, जनरल सरकार का जो पहला ही महीना था तभी से अवैध खनन को लेकर जीरो टॉलरेंस को की नीति पर काम करने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद तमाम जो खनन अधिकारियों को निर्देश दिया था कि जो अवैध खनन है इस पर किसी तरह का जो किसी को छूट नहीं मिलनी चाहिए, जो कठोर कार्रवाई है वो होनी चाहिए, तमाम जो अवैध खनन में जो लिप्त लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, साथ ही जो अवैध खनन के जो अड्डे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी को लेकर जो खान सचिव टी रविकांत के निर्देशन में लगातार जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं, अभी देखा कि कल जो सवाई माधोपुर की शिवाड़ एरिया में कई दिनों से खबर मिल रही थी, उसके बाद संयुक्त टीम ने भरतपुर और जयपुर की अवैध खनन के खिलाफ जो एक्शन लेती है टीम, संयुक्त खनन टीम ने वहां पर छापेमारी की, कार्रवाई की और जो करीब 1200 टन बजरी का स्टॉक है उसको जब्त किया गया, जो पोकलेन मशीन है उसको जब्त किया गया है, साथ ही साथ जो फर्म है जिसके पास टेंडर है वो नियमों को ताक पर रखकर जो बजरी का अवैध खनन कर रही है, निर्गमन कर रही है बजरी का, उस फर्म को आगामी आदेश यानी जांच होने तक किसी भी तरह के खनन पर रोक लगा दी है। और साथ ही साथ जो खान सचिव टी रविकांत है उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी तरह से जो अवैध जो खनन हो रहा है इस पर टॉलरेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सभी जो अधिकारी हैं, जो खान विभाग से अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर हैं, सभी को फील्ड में मौजूद रहना है। बिल्कुल सुनील, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो यहाँ मामले में एमई सवाई माधोपुर को विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत विभाग लगातार कार्यरत है।